जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं छाया, मैं पुणे से हूँ। मैं होम मेकर हूँ। अलग अलग डिशेस बनाना मेरी हॉबी है। मुझे अलग अलग डिशेस ट्राई करना अच्छा लगता है। मैं फेबिना वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें होम चेफ के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मैं आज आपके साथ चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चाट ऐसी डिश है जो सबको अच्छी लगती है। आज हम कच्ची कड़क बनाने वाले हैं, जो कच्छ गुजरात की फेमस स्ट्रीट फूड है। चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हमारी चाट की रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स है बॉइल्ड पोटैटो स्मैश किए हुए, टैमरिंड पल्प, बटर चाहिए और रेगुलर मसाले में नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, दाबेली मसाला। गार्निश करने के लिए हमें चाहिए इमली की खट्टी मीठी चटनी, लहसुन की तीखी चटनी, कटा हुआ हरा धनिया, अनार का दाना, कटा हुआ बारीक प्याज, भुने हुए चने की दाल, मसाला सिंग, बारीक सेव। अब हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। पैन लेंगे, उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे, अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे 4 चम्मच, उसमें शक्कर डालेंगे, अब हम उसमें डालेंगे मसाला, थोड़े से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, दाबेली मसाला 1 चम्मच, फिर सब मिक्स करेंगे। मसाला सब मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम उसमें डालेंगे स्मैश पोटैटो, और मिक्स करेंगे सब। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जैसे हमें नजर आ रहा है, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा मसाला सिंग और मिक्स करेंगे। अब हमारा बटाटा का रगड़ा तैयार है। अब हम प्लेटिंग की शुरुआत करेंगे। अब हम जीरा बटर लेंगे, उसको तोड़ देंगे ऐसे, उसके ऊपर डालेंगे बनाया हुआ रगड़ा, रगड़ा अच्छे से डालना है।
डालेंगे लहसुन की चटनी, हम डालेंगे इमली की चटनी खट्टी मीठी, उसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ प्याज, उसके ऊपर डालेंगे मसाला सिंग, उसके ऊपर डालेंगे भुना चना दाल, डालेंगे हरा धनिया, उसके ऊपर डालेंगे बारीक सेव, उसके ऊपर डालेंगे अनारदाना, रेडी है हमारी डिश कच्ची कड़क। मुझे यकीन है कि चाट की ये नई रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें।